रायबरेली जिले के शिवगढ़ कोतवाली क्षेत्र पाराखुर्द गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद गांव के लोगों ने 101 नंबर डायल किया तो कॉल ना लगने पर किसानों ने थाना प्रभारी शिवगढ़ को घटना की सूचना दी। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक लगभग 10 किसानों की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में किसानों शांति देवी, शिव बहादुर, सूर्य नारायण, राम प्रसाद, ऋषिकेश, केसर कुमारी, राम सजीवन, जगदीश प्रसाद आदि की लगभग 11 बीघे फसल जल गई। वहीं सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश मौर्य व हल्का लेखपाल राजेश कुशवाहा ने जांच पड़ताल कर क्षति का आकलन कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही। इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। पंप वही में कुछ बल्टी में कुछ हो जान पड़ी पंप पे सेट के पंप पे सेट यार लाइनों नहीं बिजली के माता गिर रहा है। हाँ डबल पोल आराम लगते।